चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की। बच्चों पर स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल अभी किए जा रहे हैं। ये ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर हो रहे हैं और इन सब के बीच में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये बयान आया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ सकती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन के ट्रायल जो किए जा रहे हैं उसका डेटा जल्द ही सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चों को आमतौर पर हल्की बीमारी ही होती है, यानी कि हल्के लक्षण ही देखने को मिलते हैं और इसके बावजूद उनके लिए भी टीका विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोरोना को मात देनी है तो हर किसी को कोरोना का टीका लगवाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटेक और अन्य कंपनियाँ तेज़ी से बच्चों के ऊपर ट्रायल कर रही हैं और उम्मीद है कि इस डेटा को मंजूर मिल जाएगी ताकि सितंबर और अक्टूबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए। Already the Pfizer vaccine has got FDA approval for children, and that has been also given permission to come to our country as per the Government of India ruling that if it has an FDA approval, it can come to India. Bharat Biotech and other companies are already doing their trial, and these trials are going at a very fast pace because a lot of people have come forward to get vaccinated. Children have come forward, parents have brought their children to get them vaccinated and be part of the trial. Therefore, one is hopeful that this trial will be completed early, and possibly with the follow-up of about 2 to 3 months, we shall have the data available by September, hopefully. And by that time, one is hopeful that the approvals will be there so that by September, October, we should be able to have vaccines from our own country, which we can give to children.